Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Lifestyle with Mehvish. I hope you all will be fine by the grace of Allah. तो आज जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि हम लोग साउथ वेल्स हॉलीडेज़ में आए हुए हैं, तो आज जो है साउथ वेल्स का बहुत फेमस न्यू इस बीच का नाम है और यहाँ पे जो है डॉल्फिन स्पॉटिंग बोट ट्रिप्स होते हैं और इसमें पहले से अपने टिकट्स कुछ लोग पहले से टिकट्स बुक करा लेते हैं। हम लोगों ने पहले से टिकट्स बुक करवाई हुई थी और उसमें आपका ना बोट ट्रिप होता है और वो बहुत ज़्यादा अंदर बीच में आपको लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक। और उसमें ये होता है कि अगर आपकी लास्ट है तो ये लोग क्लेम करते हैं कि आपको डॉल्फिन हो सकता है कि डॉल्फिन आपको नज़र आए। तो बेसिकली इस जो बोट ट्रिप को कहते हैं कि डॉल्फिन स्पॉटिंग का बोट ट्रिप, और समटाइम नहीं भी होता, समटाइम नहीं भी डॉल्फिन आपको नज़र आती, तो इट टोटली डिपेंड ऑन योर लक कि आपको जो है डॉल्फिन नज़र आती है कि नहीं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सबसे पहले हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं तो मैं बच्चों को ये जो बोर्ड्स होते हैं जिसमें उस जगह की सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं, तो मैं ज़रूर उनको रीड करवाती हूँ ताकि उनको पता चले कि इस जगह में क्या क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस जगह के बारे में है। तो यहाँ पे जो है लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग फ़िशिंग कर रहे थे, कुछ लोग इंजॉय कर रहे थे और आगे थोड़ी सी क्यू बनी हुई थी बोट ट्रिप के लिए। तो हम लोगों को जो है बेसिकली बोट ट्रिप पे जाना था, हम लोगों ने टिकट्स जो थी वो पहले से बुक करवाई हुई थी, वेदर अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे यूके में ना बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग जो है जैसे पहले रौनक होती थी हर जगह पे, उस तरह से अब नज़र आने लग गई है रौनक और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह होती जा रही है। और क्योंकि यूके में ना काफ़ी हद तक लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली है तो इस वजह से काफ़ी हद तक जो है लाइफ नॉर्मल होती जा रही है। कोविड मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो ये हम लोग बोट पर बैठ चुके हैं और ये हमारा बोट ट्रिप स्टार्ट हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं डॉल्फिन देखने के लिए, लेकिन जब बोट आगे जाएगी तो वहाँ पे शायद कुछ चांसेस हों। चलेंगे, आज आप भी हमारे साथ इस बोट ट्रिप को एंजॉय करें, लेट्स एंजॉय। अच्छा, वेदर भी बहुत ज़बरदस्त था और व्यू बहुत अच्छा था, बहुत नाइस लगा। लेकिन बच्चे थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि हमारा जो है वो हम काफ़ी हद तक आगे जा चुके थे लेकिन हमें अभी तक डॉल्फिन नज़र नहीं आई थी। और जो अनाउंस कर रहे थे वो लोग भी कह रहे थे कि आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को डॉल्फिन जो है वो नज़र नहीं आई है, तो जिस वजह से बच्चे बिल्कुल ही मायूस हो गए कि शायद हमें डॉल्फिन नज़र ना आए। लेकिन लकीली हुआ ये कि जब हम बिल्कुल एंड पे जाके वापस आना था ना, तो तब जो है ना एकदम से डॉल्फिन जो है, बच्चे पता नहीं जब से ट्रिप शुरू हुआ था ना वो ऐसे देख रहे थे पानी में कि हमें बस कहीं से नज़र आ जाए, और एंड पे जब हम एंड तक पहुँचे ना तो वहाँ पर हमें जो है वो डॉल्फिन नज़र आई और बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अच्छा, हम लोगों ने ना पहले भी बहुत सारे बोट ट्रिप्स किए हुए हैं लेकिन जो ये वाला बोट ट्रिप था ना, एक तो ये बहुत ज़्यादा सी में ना अंदर तक था, काफ़ी आगे तक था, आई थिंक एक घंटे से ज़्यादा था। तो इस वजह से ना बहुत ही बिल्कुल ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे ना हम सी के अंदर हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं। तो इस वजह से बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हुए हैं डॉल्फिन्स को देख के। एक थोड़ा सा और डिफरेंट टच था कि हमें जो है वो डॉल्फिन्स नज़र आई थी। ये छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ, ये डॉल्फिन्स जो हैं अगर आप गौर करें तो ये डॉल्फिन्स जो हैं वो स्विमिंग कर रही हैं और बहुत ही प्यारा एनिमल है, मैंने वैसे मूवीज़ में देखा है और आई थिंक एक दफ़ा शायद किसी स्कूल में या सी लाइफ का मैं देखा था लंदन में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक दफ़ा मैंने देखा हुआ है लेकिन सी के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह डॉल्फिन को देखा है।
तो जो है ना शायद मैंने जू में देखा था किसी ने, उसमें यानी कि डॉल्फिन शो था, लाइक उन्होंने जैसे रखा होता आपको पता है उस तरह डॉल्फिन शो टाइप किया हुआ था उन्होंने, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने सी के अंदर नेचुरली इसको इस तरह स्विमिंग करते हुए देखा है, और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और यानी ये लक होती है, ज़रूरी नहीं है न्यू की जो है वो फेमस है कि डॉल्फिन स्पॉटिंग बोट ट्रिप्स के लिए, कि वहाँ पे जो है ना आपको डॉल्फिन जो है वो हो सकता है नज़र आए, लेकिन ये है कि समटाइम्स आपको नहीं भी नज़र आती, लेकिन ये हमारी लक थी कि हमें जो है वो नज़र आई हैं, और इस वजह से बच्चे और ज़्यादा खुश थे। फटाफट सबने अपने कैमराज निकाल के, किसी ने पिक्चर्स, किसी ने वीडियोस, और सारे जितने भी लोग थे बोट पे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आई हैं, और ये आप देख सकते हैं। और मुझे तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे मूवीज़ में अक्सर हम छोटे होते देखते थे, तो सी के अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, मुझे तो बिल्कुल वही फीलिंग्स आ रही थी कि जैसे मैं ना सी के लाइक अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर जा चुकी हूँ। तो बहुत ही डिफरेंट फीलिंग्स थी, हालांकि बोट ट्रिप्स पहले भी काफ़ी दफ़ा की हैं, लेकिन ये वाला जो था वो बहुत एडवेंचरस था और बहुत इंजॉय किया। और मैं अपना जो नेक्स्ट ट्रिप होगा कि हम साउथ वेल्स में और कहाँ पे जा रहे हैं, तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी देखने में मिले, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है लास्ट टाइम विद महविश के नाम से, और वहाँ पर भी मैं अपनी सारी ट्रिप की स्टोरीज वगैरह लगाती रहती हूँ। और साउथ वेल्स में मैं रिव्यू दूंगी कि ये जो न्यू की है बीच, ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप साउथ वेल्स हॉलीडेज करते हैं तो आप ज़रूर इस जगह पे विज़िट करें। यहाँ पे डॉल्फिन के जो है ये बोट ट्रिप्स भी होते हैं, उसके अलावा आप वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों। ये देख आप देख सकते हैं बीच पे कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं बच्चों के, आप बीच के टॉयज रखें, पिकनिक शीट रखें, और आप यहाँ पे आके बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारा टाउन था, और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप साउथ वेल्स हॉलीडेज पे जाते हैं तो आप जो है न्यू की जो है बीच इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। तो लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और ज़रूरी नहीं है कि आपने बोट ट्रिप भी करना, अगर आप बोट ट्रिप नहीं भी करना चाहते तो आप वैसे भी जा सकते हैं, बीच भी बहुत खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अपनी वीडियोस में जहाँ जहाँ जाएंगे ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि हम कहाँ कहाँ पे गए, और अपना रिव्यू भी दूँगी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जाके आपको लगता है कि यार नहीं, इस जगह को मैं रिकमेंड नहीं करती। तो मैं जो स्पेशली जितने लोग रहते हैं उनके लिए ज़रूर अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी कि अगर आप साउथ वेल्स हॉलीडेज पर आए हैं तो आपको किस किस जगह पर जाना चाहिए, किस किस जगह को विज़िट करना चाहिए, और कौन सी जगह वर्थ वॉचिंग है। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।